कैंडल मेडिटेशन। कैंडल मेडिटेशन आप कैसे करते हैं, किस तरीके से आपको कराते हैं, कौन से आप टेक्निक उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। बहुत से लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि मैडम हम कैंडल मेडिटेशन करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन ना तो हमें कोई फ्लेम दिखाई दी, ना ही हमें कोई कलर दिखाई दिया है, तो हम कैसे करें। तो मैं ऐसे एक मेल के थ्रू तो आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू आपसे बात करती हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कैंडल मेडिटेशन या फिर त्राटक मेडिटेशन या फिर डॉट मेडिटेशन, तो मैं 15 दिन का एक कोर्स, एक बेसिक कोर्स शुरू कर रही हूँ। गूगल मीट से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। देखते हैं कि कैंडल मेडिटेशन किस तरीके से आप करते हैं और क्यों नहीं आपको कोई कलर्स अब तक दिखाई दिए हैं। और अगर आपको कोई कलर्स अब तक नहीं दिखाई दिए हैं तो फिर क्यों आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट भी तो हमें मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उस काम को करने का फ़ायदा ही क्या है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को बार बार सुनने से क्या ज़िंदगी बदल सकती है। मानते हैं आप इस बात को? अगर मानते हैं तो ही आप बार बार करते रहिए बिना किसी रिजल्ट के। जैसे कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान के भजन सुनने से पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर्स होती है, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि अगर मैं भगवान के भजन सुनूंगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। वो लोग कैसे अच्छे जाते हैं जो भगवान के भजन ही नहीं सुनते, उनका भी तो दिन अच्छा जाता है ना। तो हर चीज़ की कोशिश आपसे ही शुरू होती है। जिस चीज़ को आप मानेंगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रंग लेकर आएगी, एक रिज़ल्ट आपको देगी। तो पहले आप अपने टेक्निक शेयर कीजिए, किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं वो मुझे बताइए, तो ही मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी। फिर से मैं एक बात को कह रही हूँ, तो ज़रूर करिए, बताइए मुझे किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं कैंडल मेडिटेशन, किस तरीके से आप त्राटक करते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच, नमस्कार।